सभी गणित क्लास के विद्यार्थियों को प्रणाम करते हैं। तो आज का विषय हिंदी, हिंदी में आपका जो पाठ है 15वां और पाठ का नाम है कर्नाटक संपर्क, यानी कि ये इस पाठ की विधा क्या है, निबंध। इस पाठ की विधा है निबंध, और इस निबंध में यहाँ पे बच्चे किस तरह इस पाठ से किस तरह यहाँ पे क्या है, अनेक जो व्यक्ति महान व्यक्तियों और महान जो क्या है प्रकृति संपदा और कर्नाटक के जो अतीत वैभव और वर्तमान प्रौद्योगिकी के बारे में और प्रकृति संपदा के बारे में इस तरह परिचय प्राप्त कर सकते हैं, यही इस पाठ के अंतर्गत जो बताया गया है। तो इस निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के क्या है, एक अतीत वैभव और वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ राज्यों के जो भी महान व्यक्ति है और इस व्यक्तियों की जो साधना है, कार्य साधना है, और इस साधना के प्रति परिचित हो सके, इसी उद्देश्य से इस पाठ का जो चयन यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, तो इस पाठ का जो मुख्य आशय है क्या है, यानी कि ये जननी जन्मभूमि च स्वर्ग दीपी गृहसी, यानी कि यहाँ पे एक जो उक्ति है, कौन सी उक्ति है, जैसे इसके लिए जननी जन्म भूमि से स्वर्ग दपि गिरी यस। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, अपनी जन्मभूमि से क्या होता है, अनुराग और उस पर अभिमान करना सहज है, इसलिए जननी जन्मभूमि च स्वर्ग दपि गृहसी, यहाँ पे यानी कि उस पर अभिमान करता है। और कर्नाटक ये तो हमारी क्या है, जन्मभूमि है, कर्नाटक ये हमारी क्या है, जन्मभूमि है, और यहाँ की प्राकृतिक सुषमा यानी मनोहर, यहाँ पे साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की जो प्रगति मात्रा यहाँ पे कर्नाटक में क्या है, अपार जो दिखाई देती है, इसलिए देश विदेश के लोग क्या है, यहाँ की तकनीकी के विकास की क्या करते हैं, मुक्त कंठ से क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करना यानी कि वाहवाही करना, देखिए प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं किसकी, कर्नाटक की। तो ऐसी संपदा किसमें है, कर्नाटक में है। इसी संदर्भ में ये पाठ क्या है, अत्यंत एक प्रासंगिक और एक सार्थक जो पाठ आपके सामने रखा गया है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो वास्तुकला में जो विश्वविख्यात माना जाता है, कहाँ का, यानी कि विजयपुर का, यानी गोल गुमर, यहाँ पे क्या है, इसे कहते हैं, ये विजयपुर के एक विश्व विख्यात गोल गुंबज में जैसे एक है। और देखिए यहाँ पे वो एक वास्तुकला अनोखी है, और इस गुंबज के एक छोर से धीमी आवाज में बातें करे तो वह विरुद्ध छोर में स्पष्ट क्या करके सुनाई देते हैं। इसलिए इस गुंबज की एक और विशेषता यह है कि यहाँ एक बार आवाज निकालने से ये क्या है, 7 बार प्रतिध्वनित तो होती है, इसलिए हम विजयपुर क्या है, विजयपुर के जो गोल गुंबद में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखकर ऐसा आवाज जब करके देखते हैं तो आपको प्रेम के लिए पता चलता है। तो इसकी ये क्या है, विशेषता है, और ऐसे जो विशेषता यही इसकी एक बार आवाज निकालने से 7 बार प्रतिध्वनित तो होती है। तो ऐसे अनेक जो स्क्रीन जो गैलरी है, ऐसे जो वहाँ पे अनेक जैसे यहाँ पे कर्नाटक में क्या है, जैसा बेलूर का क्या है, अन्य देशों का जो मंदिर है, ऐसे अनेक कर्नाटक में जैसे यहाँ पे श्रावणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कितने फीट ऊंचाई की, 57 फीट ऊंचाई है, और एक ही पत्थर में बनी हुई है, एक ही सील में बनी हुई है। तो ऐसी जो कर्नाटक की जो संपदा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपने कर्नाटक पर हर एक विद्यार्थी को क्या है, गर्व महसूस करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यानी ये कर्नाटक की संपदा
कैसे कर किस तरह इस कर्नाटक की संपदा का उल्लेख इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पे किया गया है, तो कर्नाटक राज्य यहाँ पे क्या है, भारत देश का एक कैसा राज्य है, प्रगतिशील राज्य कहा जाता है। भारत देश का ये कर्नाटक राज्य बहुत प्रगतिशील राज्य कहा जाता है, और यहाँ की आबादी लगभग कितनी है, 6 करोड़ है। यहाँ पे कर्नाटक की जो आबादी कितनी है, लगभग 6 करोड़ आबादी है, यानी कि प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से क्या किया है, सवार कर एक सुंदर और क्या बनाए, समृद्ध बनाया है। इसलिए कर्नाटक की प्राकृतिक के सुषमा नयन मनोहर है, यानी मनोहर यानी सुंदर। मनोहर यानी सुंदर है, इसलिए पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। पश्चिम में क्या है, विशाल अरबी समुद्र। यहाँ पे पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र ठीक है लहराता है, और इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक ये फैली लंबी क्या है, पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। जैसे कि इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक ये फैली हुई है, और इस लंबी पर्वतमाला को यहाँ पे क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। और देखिए फैली लंबी ये पर्वत जो माला है, पर्वत मालाओं को ही क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है, पश्चिमी जो घाट कहते हैं। और इन्हीं घाटों का कुछ भाग, इन्हीं जो ये घाट है पश्चिमी घाट, और इसका जो कुछ भाग है, और वही भाग क्या कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है। इस पश्चिमी घाट का ही कुछ भाग क्या कहता है, कहलाता है सह्याद्री कहलाता है, सही यादी। सह्याद्री कहलाता है, इसलिए दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत मालिया बहुत ही शोभनीय है। दक्षिण में किसकी, यानी नीलगिरी की, दक्षिण में यहाँ पे क्या है, नीलगिरी की पर्वत वलिया ये क्या है, शोभनीय है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दक्षिण में जो नीलगिरी की जो पर्वत मालिया क्या है, बहुत ही शोभनीय माने जाते हैं। इस तरह ये कर्नाटक की जो संपदा हमें कर्नाटक में देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे यानी सुवारना यानी जो कि सजाना, ऐसा कर्नाटक को इन सभी इससे वस्तुओं से क्या है, एक सजाया गया है और सवारा गया है। इसलिए उसका जो रूप है ये बहुत ही क्या है, क्या हो गया है, इसका जो रूप ये बहुत सुंदर बन चुका है। इसलिए ये पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, जब हम कहते हैं तो पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक जो पहली लंबी जो पर्वतमाला है, और इसी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्नाटक में अनेक जो क्या है जलप्रपात भी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। यहाँ पे कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक की भाषा है कन्नड़ भाषा, और इसकी राजधानी कौन से, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, यानी कि यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। और बेंगलोर शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इसका उद्योग धंधे का भी केंद्र बन गया है। बेंगलोर इतना ही नहीं है, बड़े बड़े उद्योग धंधे का एक केंद्र बन गया है, और यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान कौन से, HCL, यहाँ पे कौन से कंपनी या संस्था है, HCL,
टी और उसके बाद आई टी आई आई टी आई और उसके बाद है बी एच ई एल बी एच ई एल देखिए ई एल और बी ई एल बी ई एल ऐसे जो वृत्त जो संस्थाएं ये सभी संस्थाएं कहां पे है तो बेंगलुरु में बसे हुए हैं। तो इस कारण भी यहाँ पे क्या है कर्नाटक का एक सुंदर रूप यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इसके साथ साथ ही इसलिए इन सभी जो संस्थाएं यहाँ पे बैठने के कारण उद्योग धंधों का केंद्र बनने के कारण और ये बेंगलुरु क्या शिक्षा का ही नहीं बल्कि ये बड़े बड़े उद्योगों का केंद्र बन चुका है। यहाँ पे देश और विदेश के लोग आकर बस गए हैं इसलिए ऐसे जो संस्थाएं रहने के कारण ये बेंगलोर सिटी को कौन सी सिटी कहा जाता है सिलिकॉन सिटी में इस बेंगलोर को कहा जाता है। इसके कारण इन्हें क्या है सिलिकॉन कौन सी सिटी सिलिकॉन सिटी में इसे कहा जाता है बेंगलोर को कहा जाता है। प्रश्न भी आ सकता है सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है जैसे कि सिलिकॉन सिटी किसे बेंगलोर को कहा जाता है। तो जैसे कि हम देखे किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कई बार आ चुका है और इसी तरह ऐसा प्रश्न एक मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे बेंगलोर में ये सभी क्या संस्थाएं हैं और इस संस्था का स्तर रूप क्या है बी एल सी ए। देखिए जैसे एल सी एल एच ए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और दूसरा एच एम टी यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स हिंदुस्तान यहां पे क्या है मशीन के टूल्स। उसके बाद कौन सा है यानी कि आई टी आई तो देखिए आई टी आई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज। उसके बाद बी एस ई एल बी एस जैसे कि बीई एल यहां पे क्या है बीई एल समझो तो बीई एल बी एल क्या है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिमिटेड। उसके बाद बी एच ई एल बी एच ई एल यहां पे भारत देवी भारत देवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इलेक्ट्रिकल्स यहां पे क्या लिमिटेड इस तरह इसके क्या है इस तरह रूप में सभी जो संस्थाएं है ये बेंगलुरु में ही बसे हुए हैं। इस सभी जो संस्थाएं का जो शाखाओं है यानी कि इसका विस्तृत रूप यहाँ पे इसके लिए इस पर एक प्रश्न एक मार्क्स के लिए एग्जाम में हर साल रहता है जैसे एच ए एल या एच एम टी आई टी आई बी एल बी एच ई एल इसका किसी का तो एक का विस्तृत रूप लिखने के लिए आपके एनुअल एग्जामिनेशन में इस पर प्रश्न दिया जाता है। तो यहाँ पे एच ए एल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एच एम टी हिंदुस्तान मशीन टूल्स आई टी आई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बी एल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बी एस ई एल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस तरह यहाँ पे क्या है सभी जो यहाँ पे ये सभी संस्थाएं यानी प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान है ये प्रसिद्ध भारतीय
क्या है प्रसिद्ध भारतीय यहाँ पे विज्ञान संस्थान इन्हें कहा जाता है, इसलिए ये सभी संस्थान यहाँ पे रहने के कारण इस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और यहाँ पे ही कर्नाटक में क्या है सर सी वी रामन और एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर सी एन आर राव और डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने यहाँ पे किसमें वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर जो उपलब्धियों से कर्नाटक को किस पर एक विश्व पटल पर अंकित किया गया है, एक विश्व पटल पर अंकित किया गया है। और सन 2013 में डॉक्टर सी एन आर राव को क्या है एक सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है, किनको यानी डॉक्टर सी एन आर डॉक्टर सी एन आर इन्हें क्या आप ये राव को क्या है यानी ये सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा भारत रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे इतना ही नहीं सोना यहाँ पे क्या है सोना तामा लोहा आदि कई प्रकार की यहाँ पे क्या मिलते हैं उपयोगी धातुएं भी ऐसे कर्नाटक के ही भूमि पर प्राप्त हो सकती है। और भद्रावती में कागज लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने भी यहाँ पे ही देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके अलावा कर्नाटक में क्या है चीनी सीमेंट रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने भी इसी कर्नाटक के जो क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में चंदन के पेड़ कुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को क्या है चंदन का आगार कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक में इसके अलावा क्या है विपुल मात्रा में किसके पेड़ है तो विपुल मात्रा में किसके पेड़ चंदन के जो पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है इसे चंदन यानी कि विपुल मात्रा में चंदन के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। कर्नाटक को इसलिए क्या कहते हैं चंदन का आगार चंदन का आगार कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम के लिए प्रश्न हो सकता है यानी कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहा जाता है। तो कर्नाटक को चंदन का आगार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक में विपुल मात्रा में किसके पेड़ पाए जाते हैं चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है कर्नाटक को क्या है यानी कि चंदन का आगार कहा जाता है। इस तरह प्रश्न जो आता है यानी कि यहाँ पे क्या है ऐसे जो यानी कि यहाँ पे अनेक सारे जो यहाँ पे कर्नाटक की जो एक संपदा के रूप में यहाँ पे कर्नाटक को संजोने का जो सवारने का जो सजाने का जो इन्हीं सभी इसके कारण कर्नाटक को सवारा गया है, इसलिए ऐसे अनेक जो संस्थाओं के कारण और ऐसे अनेक पर्वतमालाओं के कारण और अनेक जैसे कि यहाँ पे क्या है नीलगिरी के जो पेड़ रहने के कारण और यहाँ पे विपुल मात्रा में चंदन के पेड़ रहने के कारण ऐसे अन्य जो संपदा यहाँ पे कर्नाटक में ही क्या है पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है अनेक सारे जो ऐसे मुख्य विशेष रूपता यहाँ पे कर्नाटक में जैसे मैंने अभी बताया जैसे सर सी वी रमन एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर सी एन राव और शकुंतला देवी जैसे दिग्गज में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या है एक नारायण मूर्ति ने अपनी क्या है महत्व को एक उपलब्ध से कर्नाटक को एक कहाँ पर लेकर गया है इन सभी वैज्ञानिकों ने एक विश्व स्तर पर लेकर गया है, इसलिए यहाँ पे कर्नाटक को सवारने का कार्य ऐसे महान व्यक्तियों ने किया है। और ऐसे अनेक सारे यानी कि बड़े बड़े जैसे प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान के इस संस्थाओं के माध्यम से और यहाँ पे अनेक सारे सर्च करकर जैसे सोना तांबा लोहा आदि कई प्रकार की यहाँ पे धातुएं प्राप्त होती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे भारत में कागज लोहे इस्पात के क्या है जैसे कि सभी कर्नाटक में चीनी सीमेंट रेशम कागज उत्पादन के भी जो अनेक कारखाने यहाँ पे पाए जाने के कारण ही
क्या है, ये कर्नाटक की संपदा के कारण यहाँ पे कर्नाटक को इस तरह सवारा और सजाया गया है। और इसी के साथ ही ये जो बात यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ।